हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कानूडा कला। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं अपने लल्ला की सर्दियों की पैकिंग। ये रही इनकी अटैची, छोटे से लड्डू की इतनी बड़ी अटैची। सबसे पहले इनके रजाई गद्दे यानी कि बेडिंग को रख लेते हैं। गर्म कपड़े अक्सर अच्छे से ना रखे जाए तो उनमें कीड़ा लग जाता है, वो मुस जाते हैं, अगले साल पहनने लायक नहीं रहते। इसलिए आज मैं आपके साथ डिटेल में इनकी पैकिंग शेयर करूंगी। अब इनकी चादर को भी हम अच्छे से फोल्ड करके रख लेंगे। अब बारी है इनके कपड़े रखने की। एक एक जैकेट को अच्छे से रख लेंगे। मैं हर कपड़ा ऐसे रखती हूँ कि नेक्स्ट ईयर यूं का यूं निकल जाए, उसमें कोई सिलवट ना पड़े। अब रख लेंगे इनके पार्टी वेयर फुल सेट्स। पूरा सेट एक साथ ही रखे ताकि इनकी चीज़ें घूमे ना। अब बारी इनकी एक्सेसरी की, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ऐड कर रही हूँ ताकि इनकी छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर ना हो जाए। सबसे पहले मैं इनके सारे ग्लव्स एंड सॉक्स रख लूँगी। मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करी सारी चीज़ें, जैसे कि बेडिंग, जैकेट्स, ग्लव्स बनाने की वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी हुई है। साथ ही साथ मैंने इनकी पूरी विंटर कलेक्शन भी आपको दिखाई हुई है। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनकी कैप्स के बाद अब इनके इनर्स भी इसी में रख दूंगी मैं। अब लास्ट में इनकी शॉल भी रख देते हैं और साथ ही साथ इनका ये स्लीपिंग बैग। कपड़ों में कीड़ा ना लगे इसलिए मैं यहाँ पे दो तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ। तेज पत्ते से कीड़ा अक्सर दूर भागता है। आप चाहें तो इन्हें दाल या चावल के डब्बों में भी डाल सकते हैं। एंड ये लीजिए, हमारे लल्ला का सूटकेस हो गया है रेडी। आप भी कर लीजिए अपने लल्ला के सर्दियों के कपड़ों की पैकिंग, लेकिन थोड़े से कपड़े रख लीजिएगा क्योंकि अभी ढलती हुई सर्दियाँ हैं तो ज़रूरत पड़ेगी। जाने से पहले कर दीजिए कानूडा कला को सब्सक्राइब। राधे राधे।